हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। ब्लड रिलेशन पजल आप लोगों का काफी डिमांड था और ब्लड रिलेशन के पजल पे ही आज हम सब बात करने वाले हैं। सेट 21 पे बात करने वाले हैं। सेट 20 तक कंप्लीट हो गया है। काफी अच्छा पजल है, काफी कॉन्सेप्चुअल पजल है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के पजल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए इंश्योरेंस के क्विजेस भी अपलोड किए जा रहे हैं। वेबसाइट का एड्रेस आपको गिवन है, आप जाइए और इंश्योरेंस के क्विज को भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपके सामने LIC AA है और LIC AA के साथ SBI भी है, तो आप लोगों को यह छोड़ना नहीं है। तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट कीजिए और आज के पजल को बात करते हैं। देखिए पजल आप लोगों को ब्लड रिलेशन के साथ स्क्वायर टेबल पे है। अब इस पजल को कैसे सॉल्व करना है, इसके अप्रोच को देखा जाएगा और पजल आप लोगों को पहले खुद से कोशिश करना है। और देखिए टाइमर का यूज कीजिए और देखिए पजल में आपको क्या टाइम लग रहा है। टाइम कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपका टाइम कंज्यूम क्या हुआ और फिर फाइनली आपको अप्रोच पे आना है, फिर फाइनली आपको इसके आंसर पे आना है। तो चलते हैं पजल को कैसे सॉल्व करना है ये देख। PU मेंस एग्जाम के पर्पस से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का मेंस में आता ही है। यह क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन पर यह क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। PQRSTUVNW are sitting around a square table in such way that four of them who sits at the corner are facing towards the center and other four who sit in the middle table are facing outside that center। तो क्या बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर टेबल है, who sits at the corner are facing सेंटर। एंड दोज हु आर सिटिंग ऑन द साइड आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, जो साइड्स पे बैठे हुए हैं वो आउटसाइड को फेस कर रहे हैं और कॉर्नर पर बैठने वाले सर इनर साइड को फेस कर रहे हैं। आगे क्या है, ईच पर्संस आर डिफरेंट have different lucky numbers but not necessarily in the same order। जितना भी पर्सन है उसका हर पर्सन PQRSTUVW का हर का अलग अलग लकी नंबर है। किसी का 1 है, 2 है, किसी का 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। आगे क्या है, S doubters lucky number is 1। ठीक है, तो ये डाटा को हम लिखते हैं। S है, इसका एक doubter है। ठीक है, इसका लकी नंबर क्या है, 1। आगे देखते हैं, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड यू। ठीक है, वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड यू। डब्ल्यूज ब्रदर एस सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर। डब्ल्यू का भाई है एस। ठीक है, W ब्रदर S, W का ब्रदर कौन है, S, सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर। हिज किसके लिए आया है, S के लिए आया है, वो अपनी माँ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो S का पोजीशन क्या है, S का पोजीशन है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर। मदर का एक लेफ्ट है। ठीक है, इसका पोजीशन तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, एस है, उसका एक डॉटर है, एस का एक सिस्टर है डब्ल्यू, और फिर उसका एक मदर भी है जो हमें पता नहीं है। एस सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर, ये तीन चीज पता चल गया। हुज लकी नंबर इज 6। मदर का लकी नंबर कितना है, इसका जो मदर होगा इसका लकी नंबर क्या होगा, 6। पी इज फादर ऑफ भी, पी है, वो किसका फादर है, भी का। And the only one person sits between W mother and T।
डब्लू का जो मदर है और जो टी है उसके बीच में 1% सीट करता है, ठीक है, 1% सीट करता है। टी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज लक्की नंबर इज 2। तो जिसका लक्की नंबर 2 है, टी उसके इमीडिएट राइट पर बैठता है। टी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज लक्की नंबर इज 2। क्यू सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ये एक डाटा है तो यहां पर कॉर्नर पर लिख दिया क्यू को। एस डॉटर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, एस का जो डॉटर है ये कहाँ बैठता है, एरो देके इसको डिनोट करेंगे, सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज लक्की नंबर इज 3, एस का जो डॉटर है ये इमीडिएट लेफ्ट किसका है, एस डॉटर सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज लक्की नंबर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज लक्की नंबर इज 3, 3 के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठता है। ये निगेटिव क्या है, एस डॉक्टर है, ठीक है। फर्दर क्या है, क्यू सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू हस्बैंड, डब्लू का एक हस्बैंड है, क्यू सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू हस्बैंड, ठीक है, यहां पर डब्लू हस्बैंड लिख देते हैं। W husband first second, second to the left of W husband Q हो गया, Q sits second to the left of W husband whose lucky number is neither 4 or 7, ना 4 है इसका lucky number ना 7 है। U who is sister of B, her lucky number is 7, U क्या है, sister है B का, ठीक है। यू हुई सिस्टर ऑफ बी, हर लक्की नंबर इज 7, कोमा आ गया है, तो ये 7 किसके लिए डिनोट किया गया है, यू के लिए, यहाँ पर बट आ जाता तो भी किसके लिए होता, पहले वाले के लिए, कोमा है तो ये 7 किसके लिए आया है, यू के लिए आया है, यहाँ पर हुज रहता तो या हु रहता तो ये हुज, हु तो ये नियरेस्ट के लिए आता है, ठीक है, नियरेस्ट के लिए आता है। यू हुई सिस्टर ऑफ बी, हर लकी नंबर इज 7 एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू हस्बैंड, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू हस्बैंड, यहां पर यू नहीं होगा, डब्लू हस्बैंड के नियर यू नहीं होगा। ओनली 1% सिट्स बिटवीन डब्लू एंड बी, डब्लू एंड बी के बीच में 1% सीट करता है, ठीक है। बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 8, बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 8, ये भी लिख दिए। बी इज फादर ऑफ आर, अब देखिए ये हो गया बी इज फादर ऑफ आर, ठीक है, and is not an immediate neighbor of T, and किसके लिए आया है, is not an immediate neighbor of T, T किसके immediate neighbor है, R के या B का, तो and आया है तो T बता रहा है B का neighbor नहीं है, T is not an immediate neighbor of B, P is married to W, ये बताया जा रहा है, P is married to W, तो W का husband क्या है, P है, तो यहां से हम लोग इसको मिला देते हैं, P W का हस्बैंड है, ये गिवेन है, ये फीमेल है, P इज मैरिड टू W, W का ब्रदर क्या था, S, S का एक डॉटर है, ठीक है।
ठीक है, इसका एक मदर है, ये बताया हुआ है यहाँ पर, इस मदर इच एसिड्स स्टार्टर लकी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, एसिड्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर, मतलब इसका एक मदर भी है, तो इसे ये पता चल गया इसका एक मदर है। अब पी बताया जा रहा है, पी इच डाटा यहाँ पर की बहन है, पी इच फादर ऑफ बी, यहां से ये सारा डाटा को यहां पर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू और भी इज फादर ऑफ आर, ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, 8% हो गया। बचा इसमें क्या क्या, पी क्यू बच गया है और पी क्यू आर एस टी टी बचा हुआ है, यू वी डब्ल्यू हो गया, तो क्यू और टी, तो यहाँ पर एस का मदर में क्या दे सकते हैं, क्यू या तो टी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली 1% सिट्स बिटवीन डब्ल्यू मदर एंड टी, डब्ल्यू का जो मदर है और टी के बीच में 1% है, तो डब्ल्यू का मदर टी तो नहीं हो सकता है, ये तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, तो यहाँ पर डब्ल्यू का मदर की जगह पर टी नहीं लिखेंगे, तो बचा क्या क्यू, क्यों यहाँ पर लिख देंगे, तो रेस्ट यहाँ पर बच गया टी, टी ही इसका इसका डॉटर होगा, और इसका जो डॉटर था उसका लकी नंबर कितना था, इसका डॉटर का लकी नंबर 1 है, ठीक है ये 1 लिख दिए। अब अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर डब्ल्यू हस्बैंड क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का हस्बैंड पी है, तो यहाँ पर पी लिखेंगे डब्ल्यू का हस्बैंड, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर Q S sits on the immediate left of his mother. S के लिए ही जाया, तो S जो है उसका मदर का लकी नंबर क्या है, 6 है, तो S का मदर कौन सा है, 6 है, इसका लकी नंबर 6 है, ठीक है, तो ये 6 है, और S क्या है, S sits on the immediate left, और इसके immediate left कौन है, ये है, यहाँ पर S sit करता है। फिर आगे क्या बोला गया है, Only 1% sits between W's mother and T. W का मदर कौन है? W का मदर Q है. Q and T के बीच में 1% sit करेगा. तो यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है. ठीक है? तो T तो यहीं पर होगा. तो T यहाँ पर write down करते हैं. और T का lucky number क्या है? 1 है. यहाँ पर 1 लिख दिए. और यहाँ पर देखिए आगे क्या है? आगे है T sits on the immediate right of the person whose lucky number is 2. तो टी कहां पर बैठता है, इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 2, 2 के इमीडिएट राइट में टी बैठता है, तो यहां पर एस का लकी नंबर 2 हो गया। आगे क्या है, भी इज फादर ऑफ आर एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो भी ये जो इमीडिएट नेबर टी किसके बारे में बोल रहा है, आर के बारे में या भी के बारे में, एंड आया है इसलिए ये पहले वाले के लिए है, भी भी के इमीडिएट नेबर टी नहीं है, तो यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है, भी नहीं होगा। ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, पी यहां पर है, क्यू यहां पर है, तो यू यहां पर होगा, ठीक है। और यू के बारे में कुछ डाटा है, देखिए यहां पर लिखा था यू हुई सिस्टर ऑफ भी हर लकी नंबर इज 7, तो यहां पर 7 लिख देंगे लकी नंबर। S daughter sits second to the right of U and on the immediate left of the person whose lucky number is 3. तो ये 3 के immediate left है, कौन है, S का daughter, S का daughter, S का daughter immediate left of 3 यहाँ भी लिखे हुए थे, तो S का daughter क्या है, T है, T, S का daughter T है, T is the S daughter है T, जो कि 3 जिसका लकी नंबर है उसके इमीडिएट लेफ्ट है, इसका लकी नंबर 3 है, भी यहां पर नहीं होगा, भी यहां पर नहीं होगा, ठीक है, तो भी अभी यहां पर होगा या यहां पर होगा। भी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 8, भी सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 8, देखिए यहां पर है डाटा, तो
भी यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर एट रखना होगा, तो एट नहीं, यहाँ पर थ्री लकी नंबर अरेंज कर दिया गया है, तो एट यहाँ पर रखेंगे और भी यहाँ पर रहेगा। बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज एट, ठीक है। फिर क्या है, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड भी, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड भी, तो भी यहाँ पर है तो डब्ल्यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो बच इसमें कौन सा अल्फाबेट गया है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर बच गया, तो आर यहाँ पर डाल देंगे, इसका लकी नंबर थ्री है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, और इसमें एक लकी नंबर डालना बच गया था, ये पी चार नहीं होगा, सात नहीं होगा, सात तो ऑलरेडी रिटेन है, बच गया चार, तो चार यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, पी की जगह पर क्या डालेंगे, पांच, हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है, बीच कर लू फोर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपके लिए पूरा क्लियर होगा, और क्लियर है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोस की अपडेट मिल पाए, और हम सब एक और पजल के साथ मिलते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा।